हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम जून 2019 के अंदर जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक एनालाइज करने वाले हैं, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली जून 2019 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, इसके बेसिस पे ही आप दिसंबर 2019 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रेगुलरली मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बेसल। तो यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट बेसल नॉर्म से रिलेट करती है और कौन सी स्टेटमेंट नहीं करती। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसल नॉर्म्स क्या है। देखिए, बेसल नॉर्म्स है आपकी इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन नॉर्म्स। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनली सारे बैंक्स के अंदर कुछ सिमिलर रेगुलेशंस आ पाए, यूनिफॉर्मिटी आ पाए रेगुलेशंस को लेकर, यहाँ पे इसके लिए बेसल नॉर्म्स को लाया गया। पहले क्या होता था, हर एक कंट्री के अंदर बैंकिंग रेगुलेशंस अलग अलग थे, हर एक कंट्री अपने बैंकिंग रेगुलेशन अलग अलग बनाती थी। तो यहाँ पे उसके अंदर कुछ यूनिफॉर्मिटी आ पाए, इसीलिए बेसल नॉर्म्स को बेसिकली लाया गया था। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और इसमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, इनिशियली इट वाज नेम्ड एज कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। देखिए, बेसल कमेटी बेसिकली 1974 के अंदर सेटअप हुई थी और इनिशियली उसका नाम क्या था, कमेटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे इसका नाम इनिशियली CBRS था और ये सेटअप कब हुई थी, 1974 के अंदर। तो आप ये भी याद रखिए। चलिए अगली स्टेटमेंट देखते हैं, बेसल वॉज इस्टेब्लिश बाई द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 15 कंट्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली जो बेसल नॉर्म सेटअप किए गए थे, यहाँ पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे हर एक कंट्री के, और कितनी कंट्रीज थी टोटल, 15 कंट्रीज। देखिए, ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो गवर्नर्स थे वो टोटल 10 कंट्रीज के गवर्नर थे। तो ये वाली सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 10 कंट्रीज। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई द एंड ऑफ 1974। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि बेसल नॉर्म्स बेसिकली 1974 के अंदर सेटअप हुई थी और उसका इनिशियली नाम क्या था, कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, डिस्टर्बेंस इन द इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल करेंसी मार्केट के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी और उसके लिए बैंक्स रिस्पॉन्सिबल थे, तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली बेसल नॉर्म्स को लाना जरूरी था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसी वजह से बेसल नॉर्म्स को लाया गया था। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, 3 and 4। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बेसल नॉर्म्स को यहाँ पे 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने स्टार्ट किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू को। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे क्या पूछा गया है, चलापति राव कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ। तो बेसिकली बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको ये बताना है कि चलापति राव कमेटी किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कमर्शियल बैंक इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया एंड रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। तो देखिए, इसका आंसर क्या है आपका, रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। तो चलापति राव कमेटी को 2003 के अंदर सेटअप किया गया था और यहाँ पे बेसिकली बात किसकी की गई थी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्कशन करने के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, चार स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम से रिलेट नहीं करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है क्या और उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए,
मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है, अगर मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लोग उसको स्पेंड करेंगे, स्पेंड करने से क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने किन्सियन मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का यूज करती है आरबीआई। तो यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसको आरबीआई यूज करती कैसे है, आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटीज को सेल कर देती है मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर अगर सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा तो उससे क्या होगा, लोग सिक्योरिटीज परचेस करेंगे और यहाँ पे उनके पास जो पैसा था वो आरबीआई के पास चला जाएगा, और आरबीआई क्या करती है, उस पैसे को अपने पास रख लेती है, एक फंड के अंदर डाल देती है। उस फंड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली उस फंड को आरबीआई अपने पास ही रखती है, गवर्नमेंट को नहीं देती है। और क्यों नहीं देती है गवर्नमेंट को, बिकॉज देखिए अगर मान लीजिए आरबीआई ने उस पैसे को गवर्नमेंट को दे दिया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग करेगी, और गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग करेगी तो बेसिकली क्या होगा, मार्केट के अंदर फिर से लिक्विडिटी आ जाएगी, और लिक्विडिटी आ जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन फिर से राइज हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए ही बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसीलिए बेसिकली जो आरबीआई है वो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम से कलेक्ट होने वाली मनी को गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करती है। ओके चलिए, तो इसके अंदर देखते हैं आपके पास क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है और इसके अंदर से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए, इट एब्जॉर्ब्स सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ एंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज कैपिटल फ्लोज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, ये सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। आगे देखते हैं, इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। तो अभी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स को बेसिकली सेल करके जो मनी होती है, लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, मोबिलाइज सरप्लस लिक्विडिटी इज हेल्ड इन MSS अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आरबीआई इसको क्या करता है, MSS अकाउंट के अंदर डाल देता है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, MSS अकाउंट लिक्विडिटी कैन बी यूज फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया था, जो आरबीआई है वो बेसिकली जो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करके जो पैसा आया है उसके पास, उसको MSS अकाउंट में तो डाल देती है, बट वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपसे एक पूछा क्या गया, विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, दैट इज ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रीडिसेसर ऑफ IRDA एक्ट 1999। तो आपको ये बताना है कि IRDA एक्ट का प्रीडिसेसर कौन सा है इनमें से। ऑप्शंस क्या क्या है, इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956, मरीन इंश्योरेंस 1963 एंड पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1991। तो देखिए जब आपका IRDA एक्ट आया था 1999 के अंदर, तो इसने तीन एक्ट्स को अमेंड किया था। तो यहाँ पे पहला एक्ट आपका था इंश्योरेंस एक्ट 1938, सेकेंड आपका था LIC एक्ट 1956, थर्ड है आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972। ओके, इन तीनों एक्ट्स को अमेंड किया गया था तब यहाँ पे आपका IRDA एक्ट आया था 1999 के अंदर। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, इंश्योरेंस एक्ट, LIC एक्ट, मरीन इंश्योरेंस एंड पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है, इन दोनों के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट यहाँ पे बात की जा रही है प्रीडिसेसर की। तो प्रीडिसेसर इसका कौन था, इंश्योरेंस एक्ट 1938 था, बिकॉज देखिए LIC एक्ट आपका अभी भी है, बट यहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया है IRDA एक्ट के साथ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसके साथ साथ अगर मान लीजिए अगर आपसे फर्दर ये पूछा जाता है कि IRDA एक्ट 1999 के अंदर कौन से तीन एक्ट्स को अमेंड किया गया था, तो आपको ये तीनों नाम भी याद रखने हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, सिडबी वाज सेट अप एज अ सब्सिडियरी ऑफ IDBI 2। तो देखिए आपको पता होगा कि सिडबी बेसिकली IDBI की एक सब्सिडियरी है। अब बेसिकली सिडबी को सेटअप क्यों किया गया था एज अ सब्सिडियरी ऑफ IDBI, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सिडबी है
वो आईडीबीआई के स्मॉल बिजनेस फाइनेंस फंक्शन को टेक ओवर कर सके। तो यहाँ पे सिडबी का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो वाला फंक्शन आईडीबीआई से वो टेक ओवर कर ले। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ आईडीबीआई, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, टेक ओवर द वेंचर कैपिटलिस्ट ऑपरेशन ऑफ आईडीबीआई, नो। रिहैबिलिटेट एंड रिकंस्ट्रक्ट द सिक एंड क्लोज्ड यूनिट फाइनेंस बाय आईडीबीआई, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फैसिलिटेट फाइनेंस एंड प्रमोट इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने का भी ऑब्जेक्टिव नहीं था सिडबी का। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज स्मॉल बिजनेस फाइनेंस फंक्शन जो आपका आईडीबीआई का है उसको टेक ओवर करने के लिए सिडबी को सेटअप किया गया था, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। न्यू रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड्स, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से नए रिफॉर्म्स हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर। चलिए देखते हैं क्या क्या है। बैंकिंग कंसोलिडेशन, तो देखिए आपको पता होगा बैंकिंग कंसोलिडेशन के बारे में, यहाँ पे कई सारे बैंकों के बीच में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं। तो ये आपका नया रिफॉर्म है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बिकॉज देखिए यहाँ पे बेसिकली पर्पस ये है कंसोलिडेशन का कि कोई भी एक लॉस मेकिंग बैंक है उसको एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक एब्जॉर्ब कर ले, सो दैट यहाँ पे दोनों बैंक्स प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ये आपका आंसर हो सकता है। आगे बात करते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशंस, तो बैंक के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको ऑनलाइन किया जा रहा है, तो ये भी आपका नया रिफॉर्म है। थर्ड, एजेंसी वर्क, एजेंसी वर्क क्या होता है, देखिए आपको पता होगा बैंक एज अ एजेंट काम करता है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए बैंक एजेंसी वर्क तो करता है बट वो पहले से ही करता आ रहा है, ये कोई नया रिफॉर्म नहीं है। जब से बैंक इस्टेब्लिश हुए हैं तब से ही वो एजेंसी वर्क कर रहे हैं, तो ये आपके न्यू रिफॉर्म्स के अंदर नहीं आएगा। अगला है आपका बोरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, तो देखिए मान लीजिए किसी भी बैंक को कैपिटल की नीड है तो गवर्नमेंट से आरबीआई से बोरो कर सकता है, तो यहाँ पे ये कोई नया रिफॉर्म नहीं है, ये पहले से ही चलता आ रहा है, तो ये भी आपका नए रिफॉर्म के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, तो इनमें से कौन सा मोड यूज किया जाता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, आरटीजीएस, एनईएफटी, स्विफ्ट एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्विफ्ट। बिकॉज देखिए आरटीजीएस, एनईएफटी एंड डीडी ये नेशनल लेवल पे यूज किए जाते हैं, आप इसको विद इन कंट्री यूज कर सकते हैं इंडिया के अंदर, बट अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको यहाँ पे स्विफ्ट का यूज करना पड़ेगा। अब इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब देखिए जो यहाँ पे ये आरटीजीएस है इसके अंदर मिनिमम ट्रांजेक्शन जो होती है वो होती है 2 लाख एंड अबव। तो अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं 2 लाख से अगर वो ज्यादा है तभी आप आरटीजीएस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप आरटीजीएस यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें एनईएफटी की, तो इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब देखिए इसके अंदर कोई मिनिमम अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, आप जितना अमाउंट चाहें उतना ट्रांसफर कर सकते हैं बाई एनईएफटी। स्विफ्ट की अगर हम बात करें तो स्विफ्ट का होता है मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली नाम से ही क्लियर है, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है ये वर्ल्ड वाइड डील करता है अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर है इसके अंदर। डिमांड ड्राफ्ट, तो देखिए आपको पता होगा डिमांड ड्राफ्ट बिल्कुल चेक की तरह ही होता है, बट यहाँ पे बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है, पेमेंट से पहले आपके अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है। ओके, तो ये होगा आपका डिमांड ड्राफ्ट और ये नेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
Which of the following are included in digital payment system? तो इनमें से कौन सा मोड डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर आता है? तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी एंड चेक। तो देखिए आरटीजीएस, एनईएफटी ये दोनों ऑनलाइन मोड है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट अगर आप किसी को करना चाहते हैं तो आप आरटीजीएस एंड एनईएफटी का यूज कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक ये दोनों ऑफलाइन मोड है। दैट इज यहाँ पे बेसिकली आपको देखिए डिमांड ड्राफ्ट इश्यू कराना पड़ता है आपको बैंक से, और चेक भी आप पेपर फॉर्म में इश्यू करते हैं। तो ये दोनों आपके डिजिटल फॉर्म के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एंड सी। तो देखिए आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपको दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। तो चलिए मैच करते हैं। तो सबसे पहले आपका इंटर बैंक कॉल मार्केट। तो देखिए इंटर बैंक कॉल मार्केट क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी एक बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट है फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, तो वो दूसरे बैंक से मनी बोरो कर सकता है। तो ये ओवरनाइट होता है और इसकी बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है। तो यहाँ पे आपका एक इसके साथ मैच करेगा, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के साथ। ओके, सेकेंड है आपका कॉमर्शियल बिल। देखिए कोई भी कंपनी अगर मनी बोरो करना चाहती है फॉर शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे वो कॉमर्शियल बिल इश्यू कर सकती है। और देखिए कॉमर्शियल बिल जो आपका है ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज देखिए आपको पता होगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं। थर्ड है आपका कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर होता है आपका अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। तो इसको भी कंपनीज इशू करती हैं, बट यहाँ पे ये अनसिक्योर्ड होता है। तो यहाँ पे आपका ये मैच करेगा प्रोमिसरी नोट के साथ, बिकॉज ये एक प्रोमिसरी नोट है। ओके, ट्रेजरी बिल। तो देखिए ट्रेजरी बिल के बारे में आपको पता होगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ओके, तो इसको हम मैच कर सकते हैं फोर्थ के साथ, दैट इज गवर्नमेंट पेपर्स। तो काफी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर इन इंडिया रेंजेस बिटवीन। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया के अंदर जो क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर होता है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर निकालता कौन है। तो आपको पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सिबिल, दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आप यहाँ फुल फॉर्म भी याद रखिए इसका। अब देखिए यहाँ पे ये इंडिविजुअल्स के क्रेडिट स्कोर्स निकालता है बेस्ड ऑन हिज और हर क्रेडिट हिस्ट्री। तो यहाँ पे वो रेंज किस में करता है, वो रेंज करता है 300 से 900 के बीच में। तो ये आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फेमा प्रोविजंस। तो यहाँ आपसे क्या बोला गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो फेमा के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज देखिए आपको पता होगा कि जो फेमा रेगुलेशंस है वो किससे डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से डील करते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होते हैं। तो जो भी फेमा के प्रोविजंस है उनको एग्जीक्यूट कराने की पावर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ओके, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, बिंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉयज रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज ऑफ फेमा एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं और इसी वजह से उसके पास पावर है कि वो फेमा रूल्स को रेगुलेट करवा सकता है, उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कह रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका एसर्शन एंड रीजन, दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है और आपका जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपका एसर्शन को। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। सो दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।